नमस्कार साथियों, नॉलेज वी सी एम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनके में जब दीक्षा ऐप ओपन करते हैं तो उनके में मेरे राज्य के कोर्स दिखलाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने लॉगिन विद स्टेट लॉगिन विद सिस्टम से लॉगिन ना करके, हो सकता है गूगल से लॉगिन किया हो या फिर अन्य माध्यम से लॉगिन किया होगा। तो इसके कारण से जब वे कोर्स में ओपन करते हैं तो उनके में मेरे राज्य के कोर्स दिखाई नहीं पड़ता है, जिस कारण से उनको यह जो कोर्स है, यह जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4, 5 और 6, उनको करने में उनको दिक्कत हो रही है, उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि हमें लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से लॉगिन करने पर यह मेरे राज्य के कोर्स में दिखाई पड़ता है। यदि आप अन्य माध्यम गूगल या फिर अन्य माध्यम से लॉगिन किए हैं तो यह दिक्कतें आपके साथ हो रही होगी या हो रही है। तो साथियों, वह जो शिक्षक साथी हैं वह अपने कोर्स इस वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार आसानी से कर सकते हैं। साथियों, तो उसके लिए आसान तरीके, दो आसान तरीके हैं, जिसमें नंबर एक है QR कोड को स्कैन करके और दूसरा है मॉड्यूल के लिंक के द्वारा। तो मॉड्यूल का जो लिंक है, तीनों मॉड्यूल के लिंक है, वह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से सीधे उस लिंक को टच करके आप उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। निष्ठा प्रशिक्षण हेतु द्वितीय चरण हेतु आवश्यक जानकारी। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय चरण में निम्न 3 कोर्स उपलब्ध होंगे, मॉड्यूल 4, 5 और 6। दिनांक 17 नवंबर 2020 से प्रारंभ हो चुका है और पंजीयन 28 नवंबर 2020 तक होना है एवं 30 नवंबर 2020 तक के आपको तीनों मॉड्यूल को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना है। तो साथियों, आपको 28 नवंबर तक सभी मॉड्यूल को ओपन करके उसमें कोर्स में भाग लेकर के अपना पंजीयन कर लेना है, ताकि आप किसी भी कोर्स से वंचित ना हो। तो साथियों, यहाँ पे हम आगे आपको बता रहे हैं कि वह कौन सा QR कोड है जिसको आप स्कैन करके इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपके दीक्षा ऐप में मेरे कोर्स, राज्य के कोर्स या फिर मेरे कोर्स में यह जो कोर्स है आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो साथियों मॉड्यूल 4, 5 एवं 6 का विवरण निम्न है। ये देखिए, आपके सामने मॉड्यूल 4 दिखाई पड़ रहा है, CG4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। तो साथियों, यह जो QR कोड आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको जैसे ही आप QR स्कैनर कोड को स्कैन करते हैं तो सीधे यह आपके में एक लिंक आपको प्रोवाइड करा देगा, उस लिंक के द्वारा आप सीधे यह जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए, नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है मॉड्यूल 5 CG5 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में ICT का समन्वय। तो साथियों, यहाँ पर जो QR कोड दिखाई पड़ रहा है, इसको आप सीधा वीडियो से ही स्कैन करके भी आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों मॉड्यूल 6 CG6 कला समेकित शिक्षा। यहाँ पर भी आपको इसका यह QR कोड दिखाई पड़ रहा है, क्विक रिस्पॉन्स, इसको आप स्कैन करके QR कोड स्कैनर से स्कैन करके भी इसके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और उसको सीधे आप वेब पर ओपन कर सकते हैं या फिर दीक्षा ऐप पर ओपन करके अपना जो कोर्स है उसको सीधा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था साथियों आपका QR कोड स्कैनर के थ्रू आप किस प्रकार से अपने जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, दूसरा मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ सीधे उसके लिंक के बारे में, जो वह जो लिंक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वह जो लिंक है तीनों मॉड्यूल का, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 और मॉड्यूल 6, इन तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहां से सीधे इसको ओपन करके उसको क्लिक करके आप उक्त कोर्स को कर सकते हैं। ये देखिए साथियों, आपको मॉड्यूल 4 का यह जो लिंक दिखाई पड़ रहा है, नीचे में आपको मॉड्यूल 5 का लिंक दिखाई पड़ रहा है और नीचे में आपको मॉड्यूल 6 का लिंक दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही आप इस लिंक को ऐसा टच करेंगे तो सीधा यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, या तो क्रोम में खोल सकते हैं, आप चाहे तो दीक्षा ऐप में भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये क्रोम पे इसको ओपन कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर पे। जैसे ही मैंने क्रोम ब्राउजर पर टच किया तो देखिए इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ता है और ये देखिए सीधा आपके सामने वही CG4 मॉड्यूल आपका ओपन हो चुका है और यहाँ पर दिया हुआ है कंटिन्यू लर्निंग, उसको क्लिक करके आप अपने मॉड्यूल को इस तरह से आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों, उसी प्रकार से आप जो अगला जो मॉड्यूल का जो लिंक है उसको आप टच करते हैं तो इसी प्रकार से आपके स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से आप आसानी से जो अपने तीनों मॉड्यूल के कोर्स है उसको आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपके में मेरे राज्य के कोर्स दिखाई नहीं पड़ रहा है और आपको सर्च करने में भी दिक्कत हो रही है, तो इस आसान तरीके से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर एक है आपका QR कोड स्कैन करके और दूसरा है सीधे लिंक को टच करके। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथियों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के साथियों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।